पिछले कल देर शाम तक चली बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछली बार किसी जिला के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों व अधिकारियों को एक साथ बैठाकर विकास की जानकारी हासिल की। बैठक में स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग पर विशेष फोकस रहा। अस्पतालों में खाली पदों का मामला कई विधायकों ने उठाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को योजनाएं पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए। विभिन्न विभागों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि सभी घोषणाएं निर्धारित समय अवधि के भीतर लागू की जाएं। साथ ही विधायकों से इनकी निगरानी करने को भी कहा। राज्य का सबसे बड़ा जिला होने के नाते सरकार इसके विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने राज्य में विकास की गति को प्रभावित किया है, लेकिन अब सरकार विभिन्न विकास परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि कांगड़ा राज्य का सबसे बड़ा जिला है, बावजूद इसके जिला प्रशासन कोविड-19 मामलों की संख्या को नियंत्रण में रखने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच इस वायरस से जुड़े सामाजिक कलंक को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा घोषित सभी नई सड़कों और पुलों पर कार्य प्राथमिकता से किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड, CRF आदि के अंतर्गत परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाए। विधायक प्राथमिकताओं को समय पर पूरा करने पर बल दिया जाए। उन्होंने FRA और FCA के विभिन्न मामलों को शीघ्र मंजूरी की आवश्यकता पर भी बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कांगड़ा जिले के विकास में गहरी रुचि के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी में भी मुख्यमंत्री ने जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए जिले का दौरा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिला के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के सभी प्रमुख अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा। आज हमारे जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी रिव्यू मीटिंग थी। और सभी विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या उसका प्रेजेंट में स्टेटस है और क्या उसमें इश्यूज हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, उन सारी बातों पर बातचीत हुई है। कोरोना के चलते हिमाचल प्रदेश में हमारे विकास के कार्य प्रभावित न हो, वो अवरुद्ध ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को हमने आदेश दिए हैं कि हमारे पास जो बजट प्रोविजन के अंतर्गत जो जो स्कीमों में जो प्रावधान हैं, उन स्कीम्स को आप सुनिश्चित करें कि उसमें गति धीमी ना पड़े, गति तेजी से उनको आगे बढ़ाने के लिए करें। और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जहां फंड्स को हमको प्लान करके जो है वहां उसमें डालना है, वो सारी चीज़ों को लेकर के भी चर्चा हुई और सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया है और जिक्र करने के साथ साथ में उसके समाधान के लिए रास्ते भी निकाले हैं। देखिए, विपक्ष ने तो कुछ कहना ही है। जब कोरोना के दौरान जो है, जो बच्चे बाहर फंसे हुए थे, लोग बाहर फंसे हुए थे, उनको हम नहीं ले ला पाए थे, तब तक शोर डालते रहे कि बाहर लोग संकट में हैं, उनको लेकर के आइए। जब लेकर के आए तो कहा कि आपने हिमाचल को संकट में डाल दिया, तो इसलिए उनने बिना तर्क के कहना ही है। उनको इस बात को समझना चाहिए कि पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा प्रदेश जो है इस वक्त अलग परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहा है और ऐसी परिस्थिति में कुछ निर्णय ऐसे हमको लेने पड़े जिनको हम नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी भारी दिल से उनको लेना पड़ा है। और लोगों के बीच में हमने कहा कि सब लोग इस बोझ को थोड़ा थोड़ा बांटें और बांट करके इसको हम आगे जो है आगे बढ़ें। ये दौर थोड़े देर के लिए है, जैसे हालात ठीक होते हैं हम उस सारी चीज़ के लिए, जब सुधरेंगे, हालात सुधरेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमने थोड़े इस प्रकार के निर्णय लिए हैं प्रदेश की आर्थिकी को ध्यान में रखते हुए, उन पर विचार करेंगे। चलो, उनसे उन्होंने जो बात कही है उनकी बात अपनी जगह है। आज धर्मशाला के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का विशेष तौर से उसके लिए 11 करोड़ 76 लाख रुपए का प्रावधान जो किया है, वो एक मुझे लगता है कि धर्मशाला के उसके इन प्रिंसिपल उसकी स्वीकृति जो है ना, और उसकी दी गई है, ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी। थैंक यू।